गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.6। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो पहले क्लास में पढ़ लिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 सारा के सारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम अभी क्वेश्चन रीड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, रीटू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो जब भी हम बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो जब भी हम अपस्ट्रीम की तरफ आते हैं तो माइनस आप करते हैं, जब भी हम डाउन स्ट्रीम की तरफ जाते हैं तो प्लस करते हैं। तो हमें पहले स्पीड माननी है बोट की, लेट द स्पीड ऑफ बोट, हमने बोट की स्पीड डिराइव कर ली एक्स। तो अब जो बोट है उसकी स्पीड स्टील वाटर, ब्रैकेट में यहां स्टील वाटर लिख दिया मैंने, ये स्टील कॉर्ड की। तो अब दूसरे वाला स्पीड ऑफ बोट y, ये करंट वाला था, करंट रनिंग कितना है उसकी, या करंट लिखते हैं करंट स्पीड, ये करंट थी जो अभी चल रही है। अब बात करते हैं अप स्ट्रीम में क्या रहेगी और डाउन स्ट्रीम में क्या रहेगी। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम, अब बोट ऊपर की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, जब भी अप स्ट्रीम होगा तो हम माइनस करेंगे, और जब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम होगा तो हम प्लस करेंगे। तो ये दोनों उस बोट के स्पीड थे अपस्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में। अब उसने बोला है कि डिस्टेंस निकालो जो 2 आवर रहता है, तो डिस्टेंस लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई टू किया तो 2x प्लस 2y, डिस्टेंस भी हमारा निकल चुका है। मैं अब फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन राइट करूंगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन रहती है वो डाउन स्ट्रीम की रहती है और सेकंड कंडीशन अप स्ट्रीम की रहती है। तो हमारे पास सब आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो x प्लस वाई था, हमने मल्टीप्लाई टू किया था तो आ गया था हमारे पास 2x प्लस 2y, वो आ जाता है 20 के बराबर, क्योंकि उस बोर्ड का जो डिस्टेंस रहता है पूरा के पूरा 20 किलोमीटर रहता है। तो ये भी हमने 20 लिखा, 2 कॉमन निकाला तो ये सॉरी 10 आ गया। जो दूसरा है, दूसरी इक्वेशन में हमें अब बोर्ड को ऊपर की तरफ लेके आना है तो माइनस करेंगे, सेम केस वही, दोबारा सब चीजें वही रहेंगी। व्हाट जो उसका डिस्टेंस रहा वो 4 किलोमीटर रहा, तो एक्स माइनस वाई आ गया 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1। हम जैसे ही यूजिंग 1 करें या एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो सब्सट्रैक्ट 1 माइनस 2 तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक्स माइनस वाई 2, माइनस प्लस कट गया 2y माइनस 8, और हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4। अगर y की वैल्यू 4 आती है तो हमारे पास x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू को लास्ट टाइम की, जैसे फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 10,
और x का आंसर आ गया 6। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए x की वैल्यू एक बार 4 आई, एक बार 6 आ गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। हमारे पास अब क्वेश्चन जो 2 है उसका सेकंड पार्ट है, उसको पढ़ रहा हूं मैं। वुमेन डे वर्क का है, उसमें हम लिखा है 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एंड वर्क इन 4 डे, व्हाइल 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोंग टू फिनिश द वर्क आल्सो टेकन बाय 1 मेन अलोंग। तो हमारे पास वर्क के डिटेल्स पूछे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो लिखेंगे, लेट वन डे वर्क वर्क बाय अ मैन। और वो मैन का अगर मैन का एक्स लिखा और वो मैन वाई, तो कभी भी जो मैन डे वर्क रहता है तो वन डे का निकालना होता है फॉर वन डे। वन डे का निकालेंगे तो जो मैन का है वो वन ओवर एक्स आ जाएगा, जो वो मैन का है वो वन ओवर वाई आ जाएगा। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट करेंगे इसके ही बाद। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर x प्लस 5 ओवर y और किसके बराबर आएगा वो 1/4, क्योंकि जो टोटल टाइम दिया था टोटल वर्क का टाइम दिया था 4 दिया था। और इक्वेशन नंबर 2 ये इक्वेशन 1 आ गया और 2 में भी सेम वही, तो आ जाएगा 3 ओवर x 6 ओवर y इक्वल्स टू 1/3। अभी हमने ये क्वेश्चन किए हुए हैं तो हम दोबारा से क्या करेंगे, लेट करेंगे क्या 1 ओवर x एंड 1 ओवर y। लेट 1 ओवर x को u माना एंड 1 ओवर y को v मान लिया, तो आ जाएगा 2u प्लस 5v इक्वल्स टू 1/4। दूसरा आ जाएगा 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 1/3। हमने क्या राइट किया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ओवर x को u माना 1 ओवर y को v माना, तो ये इक्वेशन है उस इक्वेशन का। जो नेक्स्ट फर्दर जो पार्ट रहता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। हमने जैसे इसको 4 से परली साइड क्रॉस किया 8u प्लस 20v इक्वल्स टू 1 एंड दूसरा किया 9u प्लस 18v इक्वल्स टू 1। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे लास्ट टाइम किया था
हम इस वाली इक्वेशन को और इस वाली को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें लिखना क्या है, ये इक्वेशन नंबर 3 आया, ये इक्वेशन नंबर 4, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 3 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है एंड 4 को हमें 8 से, एंड सब्सट्रैक्ट 3 माइनस 4, जो 3 और 4 के आंसर आएंगे उनको सब्सट्रैक्ट कर देना है, ये 3 और 4 के को, तो आ जाएगा हमने 9 से किया 72u प्लस 180v 9 एंड u प्लस 144 सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो हमने सबको माइनस किया तो हमारे पास इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे सिर्फ 36 ही बचा, इसको सब्सट्रैक्ट करने पे 1 बचा, तो लास्ट में हमारे पास v की जो वैल्यू आई v की वैल्यू आ गई 1/36, v की वैल्यू कितनी आई 1/36, हमें ये वैल्यू अब पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में, जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 था 9u प्लस 18v इक्वल्स टू 1, तो आ जाएगा 9u प्लस 18 1 बाय 2 1 9 8/9 और 36 आ गया 30 इधर आएगा 9u प्लस 18 मल्टीप्लाई 1/36 1 2 जा 36 9u 1 माइनस 1 बाय 2, इसको यही सॉल्व कर रहा हूं तो u इक्वल्स टू 1 बाय 9 तो 2 माइनस 1/2 दैट इज 1/18 u 1/x आ गया 1 बाय 18 एंड 1/y आ गया 4/36, x की वैल्यू हमारे पास 18 आती है और y की 36 आती है, x की वैल्यू कितनी आई 18, y की वैल्यू आई 36, हमारा इसके बाद फर्दर एक और क्वेश्चन बचता है अब हम वो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।